नमस्कार, मैं हूं शुचिता मिश्रा, पत्रिका आगरा से। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम उस माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं जिस माँ को हमने सिर्फ सपने में ही देखा है या संस्कारों में हमारे माता पिता ने जिसके बारे में हमें बताया है। उस माँ को खुश करने के लिए हम घी के दीपक जलाते हैं, मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस माँ ने इस धरती पर हमें पाला पोसा, हमें इस लायक बनाया और हमें संस्कार दिए, उस माँ को हमने बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा है। नवरात्र के इस मौके पर आज मैं आपको लेकर आई हूँ आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी उन माओं का हाल जिनका घर परिवार होते हुए भी, बेटे होते हुए भी, अच्छी समृद्धि परिवार में होते हुए भी वो यहाँ वृद्धाश्रम में मजबूरी भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा की कमला नगर की नीलम मिश्रा से। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हुआ आंटी आपके साथ में, कहाँ की रहने वाली हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं क्या नाम है, रावतपाड़े की रहने वाली हूँ बेटी। कमला नगर में मेरी शादी हुई थी। मेरी मार्केट है, कोठी है। बहू बेटा बहुत तंग करते थे, सबसे ज्यादा बहू बहुत लड़ती थी। सारी संपत्ति जायदाद सब ले लिया मुझसे। अब मेरी लड़की को भी निकाल दिया। लड़की के निकालने के बाद हम दोनों को निकाल दिया, पति पत्नी को। अब क्या कहते हैं, खाना बनाना सारा काम पूरा डटो मैं करती थी। खाने के टाइम पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। गंदी गंदी गालियां बकती थी बहू। मेरे से बोले हम दोनों तल्लाक लेंगे, हम तल्लाक लेंगे। मैंने कहा तुम तल्लाक मत लो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। फिर हम दोनों यहाँ पे आ गए। कितने समय से रह रहे हैं आंटी आप? मेरे को आठवां महीना चल रहा है। आठवां महीना चल रहा है। एक बार भी वो लोग मिलने नहीं आए आपसे? नहीं, बहू बेटे मिलने नहीं आए। बड़ी बेटी आती है मिलने मुझे, दामाद आते हैं, छोटी बेटी आती है। बेटी आपकी यहीं पर आगरा में रहती है? हाँ, आगरे में ही रहती है, वहाँ पे दयालबाग के पास ही। इसके बाद हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी माँ से जो एक महीना गुरुद्वारे में वक्त भी गुजार कर आई, उसके बाद में मजबूर होकर उन्हें इस आश्रम में आना पड़ा। यहाँ पर भी वो अभी तक अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं और ये देख रही हैं कि उनका बेटा जरूर आएगा। उनको उनके बेटे से उनकी बात होती है, वो हर बार उन्हें दिलासा देता है कि वो हर दो घंटे में बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। आइए उनके मुंह से जानते हैं उनका हाल। आंटी क्या नाम है आपका? आंटी प्लीज। देख सकते हैं आप माँ का दर्द, बोलने में भी माँ को कितनी परेशानी हो रही है। बताइए आंटी, सबको बताइए। मेरा नाम है बोलूं? आगरा के पश्चिमपुरी इलाके से फ्लैट बेचने के बाद में नोएडा में फ्लैट खरीदा। माँ को बोला कि हम सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन साथ लेकर नहीं गया बल्कि माँ को गुरुद्वारे में छोड़ गया। एक महीने गुरुद्वारे में वक्त गुजारने के बाद में माँ को गुरुद्वारे से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मजबूर होकर ये माँ रामलाल वृद्धाश्रम में आई है। रामलाल वृद्धाश्रम में आकर के इन्होंने बेटे से कई बार संपर्क किया, हर बार यही दिलासा मिला कि थोड़ी देर में लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अब तक इनका बेटा यहाँ नहीं आया है। इसके बाद हम बात करते हैं, आंटी आपका नाम? ओमवती आंटी से। ओमवती आंटी से पूछते हैं वो यहाँ पर क्यों हैं और क्या वजह है, क्या हुआ था उनके साथ में। आंटी कब से रह रही हैं आप यहाँ? 4 महीने हो गए बेटा। 4 महीने। आपके साथ क्या हुआ था, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हाथरस के जी। नंदलालपुर में मकान है 2 मंजिल का। नंदलालपुर में? हाँ। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हुआ, बच्चे परेशान करते, परात उठा के ले गए, खाना नहीं बनाने देते, खाने नहीं देते, सर्फ साबुन लेते तो बहू छुड़ा लेती। भाई बेटा कहता तू तब मेरा मकान बिकवा देगी, तू सर्फ साबुन लेती है तू मकान बिकवा देगी मेरा। तो अभी तक आपका बेटा आपसे मिलने नहीं आया जब से आप यहाँ रह रही? नहीं, बेटी आई है, बेटा नहीं आया। कितनी बेटियां हैं आपकी? दो हैं। दो? दो बेटी। हाँ। आंटी आपका नाम? मेरा नाम साहबा है जी। साहबा
शारदा। हाँ। आंटी आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मुझे तीन महीने हो गए। आप क्यों आए थे यहाँ पर, क्या हो गया था? ये सब हो गया कि दो महीने से मैं बड़े लड़के के पास थी जी, मैं छोटी बहू ने कही बड़े को जरा रह करो मम्मी जी, तो मैं देखूं जाके रखे को कर नहीं रखे जी। तो वो दोनों दारू पीता है तो दोनों में लड़ाई हुई जी। तो दो एक औरतें बोली ये बच्चा ना रही कैसा मार रहा हूँ, बहुत बुरे तरह मार रहा हूँ, समय उसे बच्चा नहीं चली गई। तो वो मुझसे बोला कि हट जाओ तुम, तुम्हें जय मार डाले को जी। सुई मैंने उठा के मेरा चांटा मारा। बेटे ने आपको चांटा मारा? हाँ, सुई में दूसरे दुनिया भाग गया। बेटे ने चांटा मारा, मजबूर होकर माँ को घर छोड़ना पड़ा। आंटी आप कहाँ से आई हैं? मैं मथुरा से। मथुरा से आई हैं। हाँ। क्या हुआ था आपके साथ, आप यहाँ कैसे आई? आपके साथ में ऐसा हुआ कि जैसे हमारे वो बीमार थे जी, तो उसने लेकर आ गए थे। हाँ। यहाँ पे बीएससी कॉलेज में जी। वो लेके आ गए थे, फिर उसने जो साल भर हो गई वो खत्म हो गए, आगरे में भर्ती करा, हेमरेज की बीमारी हो गई थी उनकी, तो वहाँ पे कुछ सेवा। तीन साल हो गए, कोई 3 साल से तो कोई 1.5 साल से, कोई कई महीनों से यहाँ समय गुजार रहा है। ये कुछ माएं हैं जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया है। ऐसी ही एक नहीं दो नहीं पूरी 92 माएं कई राज्यों से यहां पर आकर के इस रामलाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। इनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इस नवरात्र के इस मौके पर आपको ये इन माओं से मिलाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि देवी माँ को प्रसन्न करने के बहुत तरीके आपने आजमाए हैं, वो तरीके भी शायद आपको इन माओ ने ही संस्कार में सिखाए होंगे। इन माओ ने आपको बड़ा इसलिए किया था ताकि आप बुढ़ापे पर इनका सहारा बन सकें। अगर आपको खुश करना ही है तो साक्षात धरती पर मौजूद उस माँ को खुश कीजिए जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसकी बदौलत आप कमा रहे हैं, अपना परिवार बसा पाए हैं। अगर इस माँ को आप खुश रख सकेंगे तो देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा वैसे ही बरसा देगी। नमस्कार।